हेलो दोस्तों, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत हूँ हमारी आपके चैनल टेक्निकल शोर में। फ्रेंड्स, मैं जो आपको जो बताऊंगा बहुत अच्छा, ठीक है, जो इन्हें में चर्चा हो रही है आपको जिस ऐप के बारे में, और जिस ऐप बहुत अच्छा खासी आन दे रही है और बहुत ज़्यादा फ्रॉड कर रही है, इसीलिए मैं सोचा क्यों ना इसके लिए कुछ बाईपास ट्रिक्स आपको बोलूँगा, जिससे आप उसकी यूज़ करके उसके जो फ्रॉड से बांच सकते हो और उसके कुछ थोड़ा इनकम कर सकते हो, और किस कैसे उसको बाईपास ट्रिक है और उसके क्या टर्म एंड टर्म कंडीशन है, क्या क्या रेखा है, कैसे उसको बाईपास ट्रिक यूज करेंगे और कैसे आप उसको बहुत ज्यादा पैसा आप अर्न कर सकते हो, वो मैं आज इस वीडियो में समझाऊंगा। चलिए फ्रेंड्स, मेरा वीडियो को पूरा का पूरा देखिए, देखते रहिए, क्योंकि मेरा वीडियो आज से नहीं देखेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि मेरे इसके अंदर बहुत झोल है, इसलिए मेरा वीडियो के अंदर मतलब जो कॉन्सेप्ट रहेगा बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट रहेगा, जो उसको आप देखिए सी मत कीजिए, उसको देख के आपको जरूर मुझे लगेगा सॉरी आपको लगेगा आप जरूर उसको कर सकते हो और उसको करके बहुत सारे फायदा उठा सकते हो। चलिए फ्रेंड्स, आपको जो आपके बारे में तो बहुत अच्छे ऐप्स है वो तो आपका टाइम वेस्ट नहीं करो, वीडियो शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, आपका जो आपके बारे में बताऊंगा वो बहुत अच्छे ऐप से मीशो के बारे में बताऊंगा, जो इंडिया में बहुत चर्चा हो रही है, एक रेपर के 250 रुपये करके दे रही है इंडिया, इसलिए बहुत इंडिया में इसलिए बहुत चर्चा हो रही है, और इस ऐप की यूज़ करके बहुत सारे फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा इनकम कर लिया था, और बट इस कुछ दिन में मीशो की तरफ से कुछ फ्रॉड नोटिस आ रही है, बहुत फ्रेंड्स मुझे कमेंट करिए और उसका रिफंड अर्निंग नहीं मिल रही, क्यों नहीं मिल रही, इसलिए क्योंकि देखिए आप जो डिटेल्स दे रहे हो सेम डिटेल्स दे रहे हो, क्योंकि मीशो से रिफंड एंड का कुछ टर्म एंड टर्म कंडीशन है वो आपको फॉलो करने के चलिए, क्योंकि देखिए मैंने भी बहुत सारे फायदा मतलब रिफंड किया था, मतलब मेरा रिफंड 10,000 तक हुआ हो चुका था, बट आज एक मुझे अचानक देखा मेरा जो अर्निंग है जीरो हो गया, मतलब मेरा थम गया, मैंने चौंक देखा मेरा अर्निंग 10,000 थी बट ओनली 250 रुपये मेरे रिसीव कमीशन और बाकी पैसा मुझे अकाउंट में पेंडिंग कमीशन में था, बट अभी जीरो क्यों देख रहे हैं। मैंने इसी से मेरे कस्टमर सर्विस कॉल भी किया तो उससे मैंने पूछा क्यों ऐसा हुआ, उन्होंने मुझे बोला देखिए सर एक कुछ प्रॉब्लम हो रही है, तो आपको जो रेफर किया ना उसका रेफर का जो सेंडर डिटेल्स है और इसका जो उसका डिटेल्स है वो सेम मैच करी, इसलिए आपका अकाउंट ब्लॉक कर दे रहा है और इसीलिए आपको कुछ भी रेफर में बोनस नहीं मिलेगा। चलिए, आप दोबारा आप भी ऐसा कर सकते हो, आप भी कर लिया तो प्लीज़ ऐसा दोबारा मत कीजिए, मैं आपको बता देता हूँ क्या क्या करने का, कैसे आपको उसको रूल्स फॉलो करने के, जो ऐसा रूल्स आप इसको फॉलो करेंगे तो आपको जरूर 100% कैशबैक मिलेगा, मतलब रिफंड का कमीशन जरूर मिलेगा। चलिए फ्रेंड्स, मैं आपको तीनों कंडीशन पहले बता देता हूँ, मेरे तीनों टर्म एंड टर्म आप रिफंड आप चाहे तो रिफंड का मैं बोल रही हूँ, रिफंड का तीनों कंडीशन क्या है मैं आपको बोल देती हूँ। देखिए, पहले मीशो से जो बोला गया था आपके अकाउंट नंबर, मतलब आपका जो असली रिफंड असली जो अकाउंट है जिससे आप रेफर करी हो फ्रेंड को उसका बैंक डिटेल्स और जो उसका रेफर करी उसका बैंक डिटेल्स सेम नहीं होना चाहिए, आप एक काम कीजिए आप तो रेफर करेंगे आप जिसका जो असली अकाउंट है उसमें आपका जो मतलब जो असली बैंक अकाउंट है उससे डाल दीजिए, उसके बाद जो रेफर करेंगे उसमें बैंक अकाउंट का जाकर ब्लैंक छोड़ दीजिए, कुछ भी आप नहीं कर, क्योंकि आप रेफर आन करके पैसे कमाना चाहते हो। और एक बात है, देखिए फ्रेंड्स, आपको पहले भी मीशो अकाउंट था और ब्लॉक हो गया था, उस एक बात ध्यान रखिए उसका जो अकाउंट नंबर थी जो आप नया अकाउंट क्रिएट करेंगे मीशो अकाउंट के रीसेलिंग और रिफंड के लिए वो बैंक अकाउंट मत डालिए, क्योंकि वो मीशो का सिस्टम पकड़ लेता है, उसके बाद आपको अकाउंट ब्लॉक कर देगा फिर से और आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, आप कपल में हाथ रख के बोलेगा मुझे आज भी अभी भी वो रिफंड मिली मेरा, तो इसलिए मैं बोलूँ जो जो पॉसिबल मतलब टीम से बोले उसको फॉलो कीजिए, उसके बाद आपको मैं बाईपास ट्रिक भी बताऊंगा कैसे कर उसको फ्री में। देखिए फ्रेंड्स, बहुत सारे फ्रेंड्स ये भी मुझे कह चुका है, देखिए उसके पास बहुत सारे नंबर थी और उसको रेफर किया था बट अभी उसका अकाउंट ब्लॉक हो चुका है, बस उसके पास कोई नंबर नहीं है, वो ऐसे कैसे रेफर आन करेंगे, उसके पास उसको कोई बाईपास ट्रिक है तो आपको मुझे बोलने के लिए बोला था, वो भी मैंने ढूंढ के लिया गया कैसे आप फ्री में नंबर पा सकते हो और फ्री में कैसे उसको यूज मतलब फ्री में नंबर कैसे पा सकते हो उसको यूज भी रेफर आन करके यूज भी कर सकते हो, वो भी मैं आपको बताऊंगा पहले बट स्टेप बाय स्टेप। देखिए तीन शॉर्ट स्टेप जो आपके बताए, एक स्टेप बैंक अकाउंट और दूसरा जो मैंने बताया दूसरा देखिए आपको जो सेंडर डिटेल्स मतलब जो आप जब भी रेफर करिए उसका जो फास्ट ऑर्डर मतलब फास्ट ऑर्डर जो प्लेस करेंगे उसका सेंडर मतलब उसका जो भी फास्ट ऑर्डर, देखिए मैं इसको देख देता हूँ आपको समझे तो
देखिए वो जब भी मीशो के जो कुछ भी ऑर्डर प्लेस करेंगे तो ऐसा तरफ ऐसे इंटरफेस आएगा, मतलब जो लॉग इन करने के बाद उसने बोला आपका तरफ जो आप जानते हो जो आप जिसको रेफर करेंगे वो पहले उस ऑर्डर करेंगे तो आपको कुछ मिलेगा, इसीलिए वो जब भी ऑर्डर करने जाएगा। देखिए एक बात ध्यान रखिए, मीशो से एक बोला गया जो आपको रीसेलिंग करेंगे, ये रीसेलिंग प्लेटफॉर्म है, आप फास्ट ऑर्डर खुद के नहीं मतलब आपके लिए नहीं ले सकते, खुद के नहीं ले सकते, आपको रीसेलिंग करनी है, इसी रीसेलिंग करेंगे तो आपको रेफरल बोनस मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा, आपका अकाउंट ब्लॉक हो जाएगा। देखिए मुझे आप देखिए मैं कैसे आपको करनी है मैं बोल देता हूँ, सेकंड कंडीशन को बता रहा हूँ, किंतु अभी फर्स्ट कंडीशन में बता दिया बैंक अकाउंट डिटेल्स था, और देखिए मैं इसको ले रही हूँ। देखिए जब भी आपको रिफंड करके नया अकाउंट क्रिएट करेंगे इस तरह आप ऑर्डर प्लेस करेंगे नया अकाउंट में जिससे तरफ आपको रिफंड बोनस मिला है, इसलिए देखिए जब भी आपको प्लेस करेंगे इस तरफ आपको बोला जाता है। उसके बाद आपको देखिए आपको देखिए मैंने एड्रेस तो पहले सेट करके रखा है पर मैंने दोबारा से उसका एड्रेस नहीं करने बोल रहे, उसके बाद जब भी एड्रेस सेट करेंगे उसके बाद आपको एक ऑप्शन आता है, देखिए इसका नाम है देवजानी घोष का नंबर है ये अकाउंट क्रिएट है। देखिए तो अभी तो आपके पास सामने एक इंटरफेस आ जाता है जो इंटरव्यू नेम और इंटरव्यू ईमेल एड्रेस, वो इंटरव्यू ईमेल एड्रेस जो भी रखिए वो आपके मन मर्जी है और ईमेल आईडी भी आपके मन मर्जी है, किंतु बट एक बात ध्यान रखिए जो आप जितना फ्रेंड को रेफर करेंगे उतना वो उसका अलग अलग मतलब जो अकाउंट का नाम और सेंडर डिटेल्स उसका ईमेल आईडी सब फोन नंबर सब कुछ अलग आने चाहिए, चाहे तो आप गलत भी दे सकते हो, आपके कुरियर से तो हाथ है तो आप जो भी कर सकते हो गलत फोन नंबर से दे सकते हो, बट एक नहीं होना चाहिए क्योंकि एक होंगे तो आपको प्लेटफॉर्म में मतलब उसी को सिस्टम में डाल लेगा, उसके बाद आपका अकाउंट ब्लॉक फिर से ब्लॉक कर देगा, इसीलिए मैं बोलूँ उसके बाद जब भी वो स्पॉन्सर करेंगे ना स्पॉन्सर अकाउंट को एक सेंडर से मांगा जाता है, सेंडर से मतलब आप जो पहले जो आपको नाम दिया था ईमेल एड्रेस से वो नहीं देंगे कुछ और देंगे, से उसके बाद एक मोबाइल नंबर मांगा जाता है, सेंडर से नेम का जो भी आपका मतलब नीचे डाल दीजिए बट पहले जो यू नेम डिटेल्स में जो नाम दिया था वो नहीं डाल दिए, वो नाम मत डालिए क्योंकि आपको वो सेम हो जाएगा तो आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। उसके बाद आपका मोबाइल नंबर जो एड्रेस पर दिया रखे और रजिस्टर्ड जो मतलब फोन नंबर है वो मत डालिए, कुछ और मोबाइल नंबर डालिए, चलिए उसके बाद प्रोसेस कर दीजिए, प्रोसेस करने के बाद आपको जो मार्जिन देखे उसको कंटिन्यू कर दिए, प्लेस ऑर्डर प्लेस कर दिए। ये था मैं आपको सेकेंड कंडीशन बता दिया। थर्ड कंडीशन जो है मीशो से एक बहुत अच्छा बात बताया, जो आप एक डिवाइस में हार्ड दो मीशो इंस्टॉल नहीं कर सकते और दो मीशो के उसके यूज नहीं कर सकते, मतलब वो डिवाइस भी पकड़ लेता है डिवाइस, इसीलिए मैं बोलूँ डिवाइस पकड़ लेता हूँ मैं, आप सोच रहे हो अभी उसको कैसे करेंगे। देखिए तीनों स्टेप का बता दिया, पहले अकाउंट नंबर और दूसरा है जो सब कुछ अलग होना चाहिए, नंबर तो पहले तो है, उसके बाद आपको जो है से योर डिटेल्स इसको योर ईमेल एड्रेस योर नेम और आपको योर सेंडर डिटेल्स और सेंडर मोबाइल नंबर वो भी सब कुछ अलग रहे, और तीसरा जो है आपको डिवाइस अलग रहना चाहिए। तो आप सोच रहे हो इतना डिवाइस कहाँ मिलेगा, बट एक डिवाइस भी सब कुछ होगा, मैं वो भी कैसे मैं बताऊंगा, चलिए मेरा वीडियो बनते रहेगा और वीडियो को स्किप मत कीजिए और वीडियो को पूरा का पूरा देखिए। इसके लिए आपको दोनों ऐप्स की जरूरत होगा, उसके एक नाम के एक ऐप क्लोनर जिसका डिस्क्रिप्शन लिंक दे रखे उससे आप डाउनलोड कर सकते हो, ऐप क्लोनर को ओपन कीजिए, ऐप क्लोनर को ओपन करने के बाद मैं आपको अच्छे से समझ देता हूँ क्या क्या करनी होगी। ऐप क्लोनर जब भी ओपन करेंगे इस तरह का इंटरफेस आएगा, ऐप क्लोनर आपका हाजिर हो जाएगा, उसके बाद आपको क्या करने का मीशो को ढूंढना है, मीशो क्योंकि मीशो क्लोन करेंगे क्योंकि देखिए मैं आपको बोला था डिवाइस अलग, पहले मैं आप डिवाइस अलग करूंगा उसके बाद मैं आपको फिर मैं नंबर नंबर दूंगा मतलब नंबर बाईपास टिक बताऊंगा, फिर मैं नंबर देख कर उसको रजिस्टर करूंगा, रजिस्टर करने के बाद ऑर्डर प्लेस कर, देखिए मेरा ऑर्डर प्लेस भी हो जाएगा रेफरल बोनस भी मुझे मिल जाएगा, तो इसलिए मेरा वीडियो देखिए पूरा पूरा देखिए। देखिए मीशो को जब भी क्लिक करके देखिए मेरे डिवाइस में अभी मीशो 28 मीशो है अभी, तो इसलिए मैं क्या करूँगा 29 मीशो इसको 20 नहीं मैं 30 देता हूँ, मैं 30 में से इसको दे देता हूँ क्योंकि 30 में से मेरा अभी तो डिवाइस में 28 में से अभी है, इसलिए मैं 30 कर रही हूँ कुछ देख। 30 करने के बाद आपको क्या करने का, 30 करने के बाद थोड़ा स्लोली साइड करने स्लाइड करने का, स्लाइड करके नीचे आने ही, नीचे आने का देखिए देखिए बहुत सारे ऑप्शन नहीं रहते, आप अच्छे से देखिए और ये ऑप्शन आपको देखना ही होगा क्योंकि ये ऑप्शन है असली ऑप्शन है। देखिए देखिए डिस्प्ले के डिस्प्ले ऑप्शन देख पे रहे हो, डिस्प्ले ऑप्शन का प्राइवेसी ऑप्शन जो नीचे रहते उसको क्लिक कर देना है, प्राइवेसी ऑप्शन जब भी क्लिक करेंगे देखिए उसके ऊपर जो आप देख पा रहे हो ना इन्वर्टिव मोड और चेंज एंड्रॉइड आईडी, चेंज आईडी में आपको जरूर क्लिक करना है क्योंकि आपको डिवाइस अलग करना है, इसलिए आपको चेंज एंड्रॉइड आईडी करनी ही पड़ेगा।
इसलिए चेंज एंड्रॉइड ऐप पर क्लिक कर दीजिए, उसके बाद इसे जो मांग रहे हैं उसको क्लिक कर दीजिए, उसको जो डिसेबल था उसको अनेबल कर दीजिए, उसके नीचे जो हाइड आई एम आई नंबर उसको क्लिक कर दीजिए, उसका डिसेबल है उसको अनेबल कर दीजिए, क्योंकि आपका आई एम आई भी पता नहीं चलना चाहिए मीशो को, जो रिसीव पकड़ लेंगे तो आपको रिपल पोस्ट नहीं मिलेगा, इसलिए उसके बाद हाइड वाई फाई एड्रेस जो भी है उसको भी अनेबल कर दीजिए, उसके बाद नीचे असली और भी बहुत ज़्यादा एक इंपॉर्टेंट खास ऑप्शन है जो स्पूफ लोकेशन। देखिए मीशो ये भी आपको लोकेशन भी टेस्ट कर सकते हैं, और टेस्ट करते हैं आपका डिवाइस का लोकेशन टेस्ट कर लेते हैं, क्योंकि आप डिवाइस हर टाइम लोकेशन ऑन रहते हैं, उसके बाद वो डिवाइस से लोकेशन टैग करके आपको डबल बोनस नहीं देता है, इसलिए आपको स्पूफ लोकेशन कर देने के स्पूफ लोकेशन का उसको अनेबल कर देने के बाद आपको सर्च में आपको जो जिस लोकेशन में रहता है उसको लोकेशन में कोई और लोकेशन, मैं तो कोलकाता डाल दे रही हूँ, देखिए कोलकाता डालने के बाद उसको क्लिक कर दे रही हूँ, देखिए मेरा एड्रेस सिलेक्ट हो गया, मेरा स्पूफ लोकेशन में कोलकाता सिलेक्ट कर दी, उसके बाद आप वापस मतलब बैक कर दीजिए, बैक करने के बाद जो ऊपर में राइट चिन्ह मतलब वो राइट चिन्ह देगा उसको क्लिक कर दीजिए, उसको कर दीजिए, ऐप बिल्ड हो रही है, बिल्ड होने के बाद मुझे इंस्टॉल करने के लिए बोला कि उसके बाद मैं इसको साइन अप करूंगा, कैसे साइन अप करूं वो मैं आपको प्रोसेस बता दे रहा हूँ। चलिए मेरा वीडियो को पूरा का पूरा देखने और वीडियो लंबे रहने से इसलिए मैं माफी चाहता हूँ, क्योंकि आपको पूरा समझना तो वीडियो लंबे करने पड़ेगी। चलिए मैं इस चीज अभी इंस्टॉल करिए, इंस्टॉल करने के बाद कुछ सर्चिंग वगैरह लगेगा, क्योंकि वही में डिवाइस में ये होता है, तो चलिए कुछ बात नहीं, तो मैं इसको मिनिमाइज कर देता हूँ, मिनिमाइज करने के बाद मैं आपको बोल देता हूँ, मैं बोल देता हूँ क्या क्या करनी है, मीशो का तो मैंने सेकंड स्टेप मैंने पहले स्टेप तो मैंने पार्क चुका है, एंड्रॉइड डिवाइस में डिवाइस का तो मैंने अलग कर लिया, और दोनों ऑप्शन है जो एक बैंक अकाउंट तो आप रेफर ऑन करेंगे, आपको तो असली अकाउंट में जो है वही दे देना, मतलब असली का जो बैंक अकाउंट दे रखे है जो उसमें लग देने रहने दीजिए, जो रेफर करेंगे उसमें बैंक डिटेल ब्लैंक छोड़ दीजिए, तो दूसरा भी हो गया, तीसरा जो है मतलब जो नया नंबर साइन अप करके वो ऑर्डर प्लेस करेंगे, नया नंबर आपका कहाँ से आएगा वो भी बायपास्टिक मेरे पास है, इसलिए मेरा वीडियो को पूरा कर दो, देखिए आपको उसलिए दूसरा और एक ऐप्स को जरूरत पड़ेगा जो सेकंड लाइन ऐप्स और टेक्स्ट नाउ का, देखिए सेकंड लाइन से आपकी कुछ प्रॉब्लम हो रही है, कुछ एरर मैसेज आ रही है, मैं जब भी उसको लॉगिन कर रही हूँ कुछ एरर मैसेज, इसलिए आप एक काम कीजिए टेक्स्ट नाउ के ओपन कीजिए, टेक्स्ट नाउ के जब भी आप ओपन करिए इस तरफ कुछ इंटरफेस आएगा, देखिए टेक्स्ट जब भी ओपन कर रहे उसके इस तरफ इंटरफेस आएगा, जब भी इसको साइन अप करने जाओगे ना कुछ अभी मैं साइन अप कर जा रहा हूँ, मैं जो को भी एक जीमेल एड्रेस दे दे रही हूँ, उसके बाद जो भी एक पासवर्ड मन में आता है दे दी, तो देखिए कुछ भी एरर मैसेज आ रही है इसलिए मैं इसको लॉग इन, देखिए अभी हो गया, देखिए कुछ एरर मैसेज आ रही थी किस कुछ टाइम अंदर, जब भी आपको मन में है उसको डाल दीजिए, उसके बाद आप नॉट नाउ कीजिए, नॉट नाउ स्किप कर दीजिए, मैं आपको स्किप करने के बाद डोंट यूज लोकेशन में क्लिक कर दीजिए, नॉट इसको क्लिक करने के बाद एंटर यू एरिया कोड के क्या आपको क्या डालेंगे, तो चलिए देखिए आपको एक कोड डालने हैं जो मीशो से भी सपोर्ट होना चाहिए, इसीलिए आपको क्या करेंगे जो मैं टाइप कर रही हूँ वही टाइप कर देना, देखिए दूसरा 231 उसको टाइप करना, उसके बाद कंटिन्यू कर देना, कंटिन्यू करने के बाद आपके पास बहुत सारे नंबर आ जाएगा, जो 4-5 नंबर आ जाएगा, उसके बाद जो भी पर्सनल नंबर है उसको कंटिन्यू उसको देखकर आप कंटिन्यू कीजिए, मतलब उसको ले लीजिए आप, उसके बाद नॉट नाउ करके स्किप कीजिए, स्किप करने के बाद आपको देखिए आपका अकाउंट तैयार हो गया, उसके बाद आप काम कीजिए उसको थ्री लाइन में क्लिक कीजिए, थ्री लाइन के ऊपर जो नंबर देख रहे हैं उसको कॉपी कर लीजिए, देखिए कॉपी हो गया नंबर, देखिए सर्चिंग के ऊपर क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली नंबर कॉपी हो जाएगा, उसके बाद आपको कुछ भी ये पर कुछ कोई काम नहीं है, उसके बाद वापस आ जाएंगे जो आप एंड्रॉइड मतलब ऐप क्लोनर से जो ऐप क्रिएट किया था जो मैंने मीशो 30 जो क्रिएट करता है उसको मैं ओपन करूंगा, ओपन करने के बाद मैं साइन अप करूंगा, उसके पहले मैं साइन अप कैसे करूंगा पहले देखिए मेरा वीडियो, देखिए साइन अप करने के लिए देखिए मैं इंडिया आ गया, इंडिया के मुझे हटाने आ गए, इंडिया हटाने के लिए मुझे चॉइस करने आ गए, देखिए सूरत थोलू लिया गया नीचे जाइए मतलब एकदम स्लाइड करके नीचे जाइए, नीचे जाने के बाद देखिए इसको देखिए आपको चॉइस करने आ गया यूनाइटेड किंगडम सॉरी और यूनाइटेड स्टेट, जो आपके देखिए मैं यूनाइटेड स्टेट चॉइस कर लेता हूँ, एकदम नीचे जो है यूनाइटेड स्टेट देख पड़ेंगे, देखिए ऊपर का जो है ऊपर है देखिए ऊपर नहीं है, आपको एकदम स्लाइड कर नीचे आ जाना चाहिए, उसके बाद यूनाइटेड स्टेट आपके पास है, देखिए आप अच्छे से देखिए यूनिटी पर आपको मिल जाएगा, यूनिटी क्लिक कर दीजिए, उसके बाद जो है नंबर आप कॉपी कर रखा था उसका आप इसका पेस्ट कर दीजिए, देखिए मैं इसको पेस्ट कर दे रही हूँ, पेस्ट कर नेक्स्ट कर दे रही हूँ, नेक्स्ट करने के बाद वो वेरीफाई सेंड एक ओटीपी भेजा जाएगा, उस तरफ मैं अभी क्या करूंगा उस समय टेक्स्ट नाउ में चला जाता हूँ, टेक्स्ट नाउ देखिए ओटीपी मुझे मिल चुका है, देखिए 11:00 में आपके तरफ लाइव प्रूफ भी आपके देख लो, जो ओटीपी मुझे मिल चुका है मैं उसको भर देता हूँ 07492
07492। देखिए मैं कर्ज कंटिन्यू कर दे रही हूँ, उस कंटिन्यू के बाद वेरीफाई हो गया मेरा। देखिए मैं आपको अभी मेरा जो रेफर बना सर, देखिए मैं लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेता हूँ, लैंग्वेज सेलेक्ट करने के बाद मैं इसको सॉलिड कर देता हूँ। उसके बाद अकाउंट का जो इंटरनेट मेरा रेफर कर मैं डाल देने के बाद मैं ऑर्डर सेलेक्ट कर दूंगा तो मेरा रेफर मिल जाएगा। और मेरा जो पहले बताया तो जी एड्रेस जो मैंने देखा है मीशो को ओपन करने करके वो समझ रखिए। मैं तीसरा कंडीशन बताया, वो तीसरा कंडीशन से मतलब अच्छे से फॉलो कीजिए, आपको जरूर 100% होंगे। और बाईपास टिक भी आपको बता दिया कैसे आप नंबर फी में ले सकते हो। उसके जब भी आपको अकाउंट यूज हो जाएगा आप एक काम कीजिए, आपको तो जरूरत नहीं है आप फिर से एक नया यही अकाउंट रख दीजिए, क्योंकि आपको जरूर कुछ भी रिटर्न करने पड़ेगा तो आपको लगेगा। इसलिए आप और भी एक कोलोना बनाइए जिसका नाम है Meesho 31 कीजिए, क्योंकि Meesho 31 करने के लिए आपको क्या करने का, क्लोन ऐप पे जाइए 31 लिख दीजिए, उसके बाद इसे ये पर 31 लिख दीजिए। उसके बाद देखिए तो मैंने तो पहले से तो इसको ऑन करके रखा है, मैं दोबारा इसको ऑन नहीं करने पड़ेगा। उसके बाद आप क्रिएट कर दीजिए, आपको कुछ भी नहीं होगा। उसके बाद आपको आप सोच रहे हो उसको नंबर कैसा और भी मिलेगा, आप इसको साइन अप इसको लॉग आउट कर दे सकते हो। अभी इसको लॉग आउट करने के बाद आप जो भी एक मन में गलत ईमेल एड्रेस गलत पासवर्ड देखिए लॉग इन हो जाओ। उसके बाद जो कंटिन्यू कर दिया था 231 उसके बाद कंटिन्यू कर दीजिए, फिर भी नंबर मिल जाएगा। उसके बाद उसको रजिस्टर करने का कर दीजिए, उसके बाद आपको इंटरनेट पर करके देखिए ऑर्डर प्लेस कर दिया, आपको रिफंड मिलेगा मिल जाएगा और आपके काम भी हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स मैं इतना अच्छे तो वीडियो आपको कॉन्सेप्ट दिया और इतना बाईपास टिक भी आप बताया कैसे आपका एंड्रॉइड डिवाइस अलग करने के क्या ठीक कंडीशन आपको मेंटेन करने का। उसके बाद आपको 100% आपको रिफंड बोनस को मिलेगा, कोई नहीं अटका सकता, क्योंकि जो जो पॉलिसी है मैं आपको अच्छे से समझा दिया। आपके इस बार आपकी मर्जी आप क्या क्या करेंगे आप अच्छे से देखें। मैं आपको समझ में नहीं आएंगे तो वीडियो को 2-3 बार देख लो, नहीं तो आपको समझ में नहीं आता तो पहले मुझे कमेंट कर दो, मैं कोशिश करूँगा और भी अच्छा कॉन्सेप्ट लेकर आने के लिए जो आपको भेजे में ढूंढने के लिए। चलिए मैं आपको देखिए फ्रेंड्स मैंने इतना तो अच्छा लाइक वीडियो बनाया आपको दिया एक पेशेंट के, एक लाइक तो बनती है, प्लीज लाइक और सब्सक्राइब ना भूले, क्योंकि हमारे आपके चैनल टेक्निक सौरव मैं हर दिन इस तरह एक अच्छे अच्छे वीडियो आपको डालते रहूँगा पेशेंट करते, इसलिए मेरा वीडियो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और आपको फ्रेंड को भी शेयर कीजिए, जो आपको फ्रेंड को भी पता चलना चाहिए बाईपास टिप को बताया जिस तरह इसको यूज करके बहुत सारे फायदा आपको उठ सकते हो। मैं भी आज से उठाऊंगा आप भी यूज करना, क्योंकि मैं आज ही इसको बाईपास टिक इसको फॉलो करके मैंने बहुत मैंने एक दिन लगा दिया, मैं कैसे उसको यूज कर सकती हूँ, मैं कैसे उसको पाना है, मैं एक दिन लग गया मैं इसको रिसर्च करने के लिए। चलिए फ्रेंड्स मैं बहुत कष्ट करके उसको ढूंढा, चलिए एक तो लाइक बनते हैं और चलिए आज इतनी भी नेक्स्ट वीडियो बहुत अच्छा और एक भी बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट लेंगे जिससे आपको इसके बहुत सारा फायदा उठ सकते हो। फिर फ्रेंड्स आज इतनी भी।